सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए ये आपकी क्या है, किडनी है। इस किडनी से होकर के दोस्तों ये मूत्र वाहिका आ रही है, ये आपका मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। देखिए अब समझाता हूं दोस्तों, ये है किडनी। इस किडनी में आपके मूत्र का निर्माण हुआ, इस किडनी में आपके मूत्र का निर्माण हुआ यानी कि मूत्र छणा। दोस्तों ये है मूत्र वाहिका, ये मूत्र वाहिका दोस्तों मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक लेकर आती है। ये क्या है दोस्तों, ये मूत्राशय है, इसमें हमारा मूत्र इकट्ठा होता है। और ये क्या है, ये मूत्र मार्ग है दोस्तों, इसके थ्रू हम शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं। तो भैया ये प्रोसेस चलती है, सबसे पहले किडनी में हमारा मूत्र बनता है, मूत्र वाहिकाओं की सहायता से दोस्तों मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक लेकर आया जाता है। फिर दोस्तों मूत्राशय में थोड़ी देर मूत्र इकट्ठा होता है, जब इसकी भराव क्षमता संपूर्ण हो जाती है तब दोस्तों मूत्र मार्ग की सहायता से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, यानी कि सबसे पहले किडनी में बना, मूत्र वाहिका की सहायता से दोस्तों मूत्राशय तक लेकर आया गया, मूत्राशय में थोड़ी देर इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के पश्चात दोस्तों मूत्र मार्ग की सहायता से इसे बाहर निकाल दिया गया। माय नेम इज रवि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। गाइस जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र के बारे में। गाइज इस वीडियो में लिया हुआ प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। गाइज वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, प्रत्येक क्वेश्चन का दो बार रिविजन करवाने वाला हूँ। बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज ये क्वेश्चन आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है गाइज कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन और ऑप्शन नंबर डी है गाइज वायु कुपिका। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। दोस्तों वक्र कहा जाता है किडनी को। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है दोस्तों, नेफ्रॉन होती है। तो भैया आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, किडनी की सबसे छोटी इकाई, किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भैया किडनी की सबसे छोटी इकाई भी भैया नेफ्रॉन है। क्या ये बात आपको समझ में आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि सजीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सजीव की सबसे छोटी इकाई, दोस्तों सजीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भैया कोशिका है। सबसे छोटी इकाई कौन है दोस्तों, कोशिका है। जिस प्रकार दोस्तों सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिस प्रकार दोस्तों सजीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारी जो किडनी होती है उस किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन होती है दोस्तों, नेफ्रॉन होती है। उस किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है दोस्तों, नेफ्रॉन होती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई,
वह तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है दोस्तों? तो भैया न्यूरॉन है। कौन सी है दोस्तों? न्यूरॉन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भैया कौन सी है? वायु कोशिका है। कौन सी है मेरे मित्र? वायु कोशिका है। अगर आपसे हमारे हृदय की, हमारे हार्ट की अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए दोस्तों, तो कौन सी है? कार्डियक है। दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने क्या कहा दोस्तों? जिस प्रकार दोस्तों सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिस प्रकार दोस्तों सजीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारी किडनी, हमारी किडनी की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों, वो होती है नेफ्रोन। कौन होती है दोस्तों? नेफ्रोन। दोस्तों किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी कौन होती है? भैया नेफ्रोन होती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारा तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है दोस्तों न्यूरॉन। उसी प्रकार दोस्तों हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है भैया वायु कोशिका। कौन होती है दोस्तों? वायु कोशिका होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, वो है भैया कार्डियक। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। भैया ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे SSC में भी पूछा गया है और दोस्तों रेलवे में भी पूछा गया है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों गुआनिन। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूरिया। दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं, जैसे कि गाय भैंस घोड़ा बकरी, यानी कि माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है दोस्तों, वो सभी स्तनधारी होते हैं। तो दोस्तों स्तनधारियों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो भैया कौन होता है? यूरिया होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया मछली और जो उभयचर होते हैं, उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। जिस प्रकार दोस्तों गाय भैंस घोड़े बकरी जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो मछली है, जो उभयचर है, उन सभी का दोस्तों जो मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ है दोस्तों वो अमोनिया होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जितने भी पक्षी है और दोस्तों जो सरीसृप है, इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो भैया वो होता है यूरिक अम्ल। कौन होता है दोस्तों? यूरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, इसलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या दोस्तों आपको ये बात समझ में आई कि पक्षी में सरीसृपों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो दोस्तों यूरिक अम्ल होता है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अब जो सेंटेंस में बता रहा हूं आपको, मकड़ी और दोस्तों जो बिच्छू होता है, इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो भैया आपको ध्यान रखना है गुआनिन होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, इसलिए दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के कितने प्रकार हैं। गाइज आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो भैया कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। दोस्तों उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से प्रकार है। नंबर 1 पर है दोस्तों अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। दोस्तों अमोनोटेलिक ऐसे जीव होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसमें दोस्तों मछली और उभयचर आते हैं। नंबर 2 पर यूरियोटेलिक, दोस्तों यूरियोटेलिक में ऐसे जीव आते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि दोस्तों स्तनधारी। नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों यूरिकोटेलिक, दोस्तों यूरिकोटेलिक में ऐसे जीव आते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि सरीसृप हो गए और भैया आपके एविज वर्ग वाले हो गए, जितने भी पक्षी हैं वो सभी। और नंबर 4 पर आता है दोस्तों गुआनोटेलिक, दोस्तों इस गुआनोटेलिक में ऐसे जीव आते हैं जो दोस्तों गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि मकड़ी और बिच्छू। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। अमोनोटेलिक में ऐसे जीव आते हैं जो दोस्तों अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। और अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, मछली और उभयचर। यूरियोटेलिक में ऐसे जीव आते हैं दोस्तों जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि स्तनधारी। यूरिकोटेलिक में ऐसे जीव आते हैं दोस्तों जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि पक्षी और दोस्तों सरीसृप। अब आशा करता हूं दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। दोस्तों ये क्वेश्चन भी भैया आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है। गाइज आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हिपेटोलॉजी। भैया अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी। गाइज नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या बात क्लियर है। दोस्तों होता क्या है कि विज्ञान में अलग अलग शाखाएं होती है, जैसे कि आँखों के बारे में अगर हमें पर्सनली अध्ययन करना है तो दोस्तों जिस शाखा में हम आँखों के बारे में पर्सनल डिटेल में अध्ययन करते हैं उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों किडनी के बारे में हमें डिटेल में जानना है, बहुत गहराई में जानना है तो दोस्तों एक अलग ब्रांच बनाई गई है, एक अलग शाखा बनाई गई है। दोस्तों किडनी के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों नेफ्रोलॉजी या फिर दोस्तों रिनोलॉजी, एक शब्द और आता है रिनोलॉजी। इस शाखा में भी दोस्तों हम किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं।
क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों न्यूरोलॉजी कहा जाता है। गाइज ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों लीवर का अध्ययन यकृत जिगर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। गाइस आशा करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे NDA के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है। दोस्तों आपका कथन है नंबर 1 पर किडनी, नंबर 2 पर है यूरेटर। यूरेटर कहा जाता है दोस्तों मूत्र वाहिका को। नंबर 3 पर है यूरिनरी ब्लेडर, इसे कहा जाता है दोस्तों मूत्राशय। और नंबर 4 पर है दोस्तों यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। अब दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4, क्या दोस्तों ये क्रम है। ऑप्शन नंबर बी है 4 3 2 1, क्या दोस्तों ये क्रम है। ऑप्शन नंबर सी है 1 3 4 2, क्या दोस्तों ये क्रम है। और ऑप्शन नंबर डी है 4 3 1 2, क्या दोस्तों ये क्रम है। भैया अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिलहाल दोस्तों मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 1 2 3 4, ये क्रम है। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए ये आपकी क्या है किडनी है। इस किडनी से होकर के दोस्तों ये मूत्र वाहिका आ रही है, ये आपका मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। देखिए अब समझाता हूं दोस्तों, ये है किडनी, इस किडनी में आपके मूत्र का निर्माण हुआ, इस किडनी में आपके मूत्र का निर्माण हुआ यानी कि मूत्र छणा। दोस्तों ये है मूत्र वाहिका, ये मूत्र वाहिका दोस्तों मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक लेकर आती है। ये क्या है दोस्तों, ये मूत्राशय है, इसमें हमारा मूत्र इकट्ठा होता है। और ये क्या है, ये मूत्र मार्ग है दोस्तों, इसके थ्रू हम शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं। तो भैया ये प्रोसेस चलती है, सबसे पहले किडनी में हमारा मूत्र बनता है, मूत्र वाहिकाओं की सहायता से दोस्तों मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक लेकर आया जाता है। फिर दोस्तों मूत्राशय में थोड़ी देर मूत्र इकट्ठा होता है, जब इसकी भराव क्षमता संपूर्ण हो जाती है तब दोस्तों मूत्र मार्ग की सहायता से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले किडनी में बना, मूत्र वाहिका की सहायता से दोस्तों मूत्राशय तक लेकर आया गया, मूत्राशय में थोड़ी देर इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के पश्चात दोस्तों मूत्र मार्ग की सहायता से इसे बाहर निकाल दिया गया। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है। गाइज आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए ब्लड फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्लड फिल्ट्रेशन। दोस्तों ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब होता है रक्त को छानना। और दोस्तों ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है रक्त को शुद्धिकरण करना या फिर रक्त को शुद्धिकरण करना। दोस्तों ब्लड फिल्ट्रेशन को हम परानिस्पंदन भी कह सकते हैं, परानिस्पंदन। तो दोस्तों हमारी जो किडनी होती है वो किडनी आपको पता है क्या करती है, ब्लड को छानती है। क्या करती है दोस्तों, ब्लड को
छानती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि हमारी किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है, तो भैया ब्लड फिल्ट्रेशन प्रक्रिया पर काम करती है। इसका मतलब होता है दोस्तों रक्त को छानना, इसे आप प्राणिस्पंदन भी कह सकते हो। बात क्लियर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारे फेफड़े किस प्रक्रिया पर काम करते हैं, तो दोस्तों हमारे फेफड़े ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया पर काम करते हैं, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करना। दोस्तों जो ब्लड है, इस ब्लड में से ऑक्सीजन जो होती है उसको तो अंदर लेकर आते हैं हमारे फेफड़े, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे दोस्तों बाहर भगाते हैं। यही होता है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण। तो दोस्तों ये कार्य कौन करता है, ये कार्य हमारे फेफड़े करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों दोनों चीज बहुत आसान है, अधिकांश लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों, ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है, आपकी किडनी करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, तो भैया आपकी किडनी करती है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो दोस्तों आपके फेफड़े करते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे तो बाहर भगाते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है उसको अंदर ले पाते हैं। यही ब्लड का शुद्धिकरण होता है भैया। बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर सी है विलीवर्डिन वर्णक के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम वर्णक के कारण। दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, वो दोस्तों यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। बात क्लियर है। दोस्तों मूत्र की बात आई है, यूरिन की बात आई है दोस्तों, तो कुछ कहानी समझ लेते हैं। दोस्तों मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। ये आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मूत्र की आपसे प्रकृति पूछी जाए दोस्तों, तो भैया ये दुर्बल अम्लीय होता है, दुर्बल अम्लीय होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया जो टॉयलेट में जो स्मेल आती है, टॉयलेट में जो स्मेल आती है दोस्तों, वो भैया अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है दोस्तों, अमोनिया के कारण आती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं दोस्तों हीमोग्लोबिन वर्णक की, तो दोस्तों हमारा जो ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, वो भैया हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। दोस्तों हमारा जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है दोस्तों, हल्का पीला, वो किसके कारण होता है दोस्तों, वो बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी भैया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किडनी का जीएफआर मान क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर बी 120 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी 140 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर डी 110 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड। सबसे पहले दोस्तों जीएफआर समझते हैं। दोस्तों जीएफआर की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जीएफआर की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या होती है दोस्तों, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब दोस्तों बात यह आती है कि ये जीएफआर होता है क्या है, तो दोस्तों ग्लोमेरुलस जिस दर से
आपके ब्लड को फिल्टर करता है, उस रेट को, उस दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? GFR कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि ग्लोमेरुलस जिस रेट से आपके ब्लड को फिल्टर करता है, आपके ब्लड को छानता है दोस्तों, उस दर को क्या कहा जाता है? GFR कहा जाता है। क्या बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किडनी का जो GFR मान होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यानी कि एक मिनट में आपका जो ब्लड है कितना छानता है, ग्लोमेरुलस कितना छानता है? 125 ml छानता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भैया इस क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मूत्र के साथ ब्लड आना बीमारी है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए हीमेटूरिया, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ग्लाइकोयूरिया, ऑप्शन नंबर सी है पोलीयूरिया, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ओलिगोयूरिया। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हीमेटूरिया। दोस्तों जब आपके यूरिन के साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो दोस्तों कौन सी बीमारी है? हीमेटूरिया। अगर आपके यूरिन के साथ में अगर दोस्तों शर्करा आ रही है, शुगर आ रही है, तो दोस्तों ग्लाइकोयूरिया बीमारी होगी। अगर आपके शरीर में दोस्तों लिमिट से ज्यादा मूत्र बन रहा है, यानी कि मूत्र अधिक बन रहा है, तो दोस्तों कौन सी बीमारी होगी? पोलीयूरिया होगी। अगर आपके शरीर में मूत्र कम बन रहा है तो कौन सी बीमारी होगी दोस्तों? ओलिगोयूरिया बीमारी होगी। तो भैया ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखी है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जब आप एग्जाम देने जाओगे दोस्तों तो उत्सर्जन तंत्र वाला जो चैप्टर है इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों सटीक है और बिल्कुल सही है, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।